तो भाई जब से इंडिया के अंदर लावा ने कमबैक करा है, बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करा है। सबसे पहले बजट के ऊपर लावा ब्लेज 2 4G स्मार्टफोन जो कि 6 से 7 महीने पहले लॉन्च हुआ। चैनल के ऊपर सारी चीजें मैंने आपको बताई है, कैसा फोन है और अभी तक वन ऑफ द बेस्ट फोन है 10,000 के नीचे। देन अगेन लावा अग्नि 2 5G स्मार्टफोन जो कि 20,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला फोन। और फाइनली आज इंडिया के अंदर लावा ने अपने लावा ब्लेज 2 4G स्मार्टफोन का अपग्रेड लावा ब्लेज 2 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करे हैं, जो कि हमारे पास जैसे ही आएगा सारी चीजें बताएंगे। लेकिन लॉन्च के अंदर सारी चीजें कन्फर्म हो चुकी है कि ये फोन कैसा है, क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या स्पेशल है 10,000 के नीचे इस 5G फोन के अंदर, वो सारी चीजें जानेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेना, एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब गाइस अगर लावा ब्लेज 2 4G स्मार्टफोन की बात करें तो इस फोन का डिजाइन सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट था, क्योंकि ग्लास बिल्ड 10,000 के नीचे बहुत ही मुश्किल वाली चीज है। तो अगेन लावा ने इसे कंटिन्यू रखा है और लावा ब्लेज 2 5G के अंदर भी आप देख सकते हो कि ग्लास वाली बिल्ड देखने को मिलेगी, वही फ्लैट साइड बॉक्सी कॉर्नर देखने को मिलेंगे। 3 कलर ऑप्शन के साथ फोन देखने को मिल रहा है, लेवेंडर है, ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जहां पर वेट की बात करें तो 203 ग्राम्स के करीब इनका वेट देखने को मिलेगा और 8.45 mm का को थिकनेस देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर फोन की डिजाइन वाइज ना, तो इस बार ना जो कैमरा मॉड्यूल है वो आप देख सकते हो सर्कुलर कर दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग की 10,000 के नीचे आपको रिंग लाइट वाली डिजाइन देखने को मिलती है। जी हाँ, कैमरा के चारों तरफ आपको एक रिंग लाइट देखने को मिलती है जो कि लुक वाइज इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। और 10,000 के नीचे एक फोन के अंदर जो कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे डिजाइन वाइज, वो लावा ने यहां पर कर दिखा है। बाकी अगर बात करें फोन की डिस्प्ले को लेकर तो सेंटर में पंच होल कटआउट है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको ठीक ठाक से मिल जाएगी। जहां पर डिस्प्ले साइज आपको 6.56 इंच की देखने को मिल जाएगी। HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा डाउनसाइड लग सकता है, लेकिन 10,000 के नीचे भूलो नहीं ये 5G फोन है। और साथ ही 90Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के ऊपर मिल रहा है। बाकी डिस्प्ले में कलर ब्राइटनेस और एक्सपीरियंस तो आपको यूज करके ही बताने वाले। वहीं पर सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, तो भाई ये एक 4G वेरिएंट होने वाला है और यहां पर जो चिपसेट लावा ने यूज करा है ना बहुत ही कमाल का है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020। अब देखो ये जो चिपसेट है 6nm आर्किटेक्चर के साथ में आता है तो काफी ज्यादा पावर इफिशियंट हो जाता है। और जिस प्राइस के ऊपर ये चिपसेट है ना, आपको डे टू डे टास्क में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर आप थोड़े बहुत छोटे मोटे गेम भी प्ले करे हुए बहुत ही स्मूथली कर पाओगे। साथ ही जो रैम मैनेजमेंट होता है ना लावा का, लावा ब्लेज 2 4G के साथ में मैं बोलूंगा वो डिसेंट था। यहां पर आपको 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज ऑप्शन और 6GB रैम, 128GB दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जहां पर जो रैम टाइप है वो LPDDR4 रैम मिल रही है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल रहा है, जो कि 10,000 के नीचे एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ओवरऑल इस फोन के साथ में डे टू डे टास्क हो या फिर थोड़े बहुत गेमिंग हो या फिर अगर आप हैवी यूज भी करते हो इस फोन को ना, रेगुलर यूज में किसी भी तरीके की दिक्कत आपको ये फोन नहीं देने वाला है। आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और साथ ही 5G है तो भाई 10,000 के नीचे आप 5G सिम लगा के इसे यूज कर सकते हो। वहीं 8 5G के बैंड भी देखने को मिलते हैं, जो कि जरूरी सारे ही बैंड आप देख सकते हो देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफी तगड़ी चीज है। साथ ही अगर बात करें यहां पर सॉफ्टवेयर को लेकर, तो भाई लावा का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है वो मैं बोलूंगा 10,000 के नीचे बाकी कचरों से तो अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको क्लीन UI मिलता है, कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं, कोई भी एड्स नहीं। साथ ही यहां पर 2 ईयर तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रांड। और साथ ही यहां पर आपको एंड्रॉयड 13 के साथ ही फोन मिला है, तो प्रॉमिसिंग है कि एंड्रॉयड 14 अपडेट भी आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है सॉफ्टवेयर और ओवरऑल इसके हार्डवेयर को लेकर। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस सेक्शन है ना वो इस फोन का मैं बोलूंगा बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी। अब देखो काम का तो एक ही है 50 मेगापिक्सल वाला, बाकी इसके अलावा 0.08 मेगापिक्सल का एक BGA कलर सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रंट में 8K सेल्फी देखने को मिलती है। अब देखो ये 2K वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर बोल रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी प्रैक्टिकली ये किस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर 10,000 के नीचे बैक से आप 2K तक की रिकॉर्डिंग कर पाते हो ना, तो एक बहुत ही तगड़ी चीज है और लावा के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि यहां पर जो कैमरा सेटअप होगा वो डिसेंट होगा, एक 5G फोन है और 10,000 के नीचे आपको डिसेंट सा कैमरा फ्रंट और बैक का देखने को मिल जाएगा। वहीं इस फोन में 5000mAh की लंबी बैटरी भी दी गई है और 18W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि 10,000 के नीचे इनफ है। वहीं वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस फोन में जो सारी चीजें पैक करके लावा ने दी है ना, और जो प्राइसिंग है ना 4GB 64GB वाले ऑप्शन के साथ में ये फोन ₹9,999 में देखने को मिल रहा है, यानी 10,000 के नीचे एक पावर पैक 5G फोन मुझे लगता है एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। बाकी गाइस नीचे कमेंट करके आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ये कैसा फोन रहने वाला है। बाकी जैसे ही हमारे पास आता है डिटेल में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रैक्टिकली। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।